वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब हो? सो सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मॉल। नोएडा के कुछ मॉल्स हम कवर कर रहे हैं। सो घर में मैंने ओपन नहीं करा, ओपनिंग नहीं स्टार्ट करी हुई इस वीडियो को, क्योंकि वंश को हम झूठ बोल के जा रहे हैं। सो हम दोनों रेडी है और ये मिश्री मॉल हम कवर कर रहे हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले कैसा डेकोरेशन हो रखा है। सो चलते हैं, आपसे मिलते हैं, वहाँ चलते चले। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पहले मॉल आ चुके हैं जो है GIP ग्रेट इंडिया पैलेस। सो चलते हैं वहाँ का डेकोरेशन, देखते हैं कैसा सजाया है। और हमने टूटू मास्क लगा रखा, अभी हम इसको फेंक देंगे और चलो चलते हैं फिर अंदर। हमें डेकोरेशन दिखा नहीं GIP में, बट थोड़ा आगे चलते हैं कि कुछ सजाया है कि नहीं सजाया। हाँ, थोड़ा बहुत डेकोरेट करा है। चलो हाँ चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, है ना। कोई स्पेशल डेकोरेट नहीं किया, पहले बहुत बड़े बड़े एक्सपेंस भी लगाए जाते थे, बट अभी तो कुछ दिखा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये डेकोरेशन है GIP मॉल का, देखिए। हम लोग अपना जो रिव्यू देंगे वो जो हमने मॉल डिसाइड करे वो देख लेते हैं, फिर बताएंगे कि कौन से मॉल में अच्छा कौन सा सो था, है ना। तो चलते हैं दूसरे मॉल। अब हम जाएंगे CSM सेंटर स्टेज मॉल, ये भी सेक्टर 18 में ही है। सो चलो वहाँ चलते हैं और उसके बाद वहाँ पे आपको उसका डेकोरेशन दिखाते हैं कि वहाँ भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। लोग अगर 8 नंबर गेट से अगर एंट्री करेंगे GIP में तो आपको वहाँ पे डेकोरेशन सामने ही मिलेगा। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ एंट्री करने से जस्ट पहले, इतना सुंदर, मतलब बाहर ही बहुत अच्छा लगा फोटो वोटो खिंचाने के लिए। आपको दिखाती हूँ इतना प्यारा डेकोरेट करा और वो पहुँची है फोटो खिंचाने के लिए, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है यार, है ना। वो देखिए डियर्स, वो देख फोटो खींचती है तेरी, रुक जा। हमें अंदर से ज़्यादा ये चीज़ बहुत अच्छा लगा जो यहाँ बाहर का डेकोरेशन करा हुआ है, सेल्फी पॉइंट का बना रखा है और ये बहुत है ना मस्त बना रखा है। तो चलिए फाइनली अब हम दूसरा मॉल चलते हैं। और यहाँ पे बच्चों के राइड के लिए भी बहुत कुछ है। चुके हैं वेव मॉल, जिसको सेंटर स्ट्रीट मॉल भी बोलते हैं। सो चलिए एंट्री करते हैं। मॉल तो खाली पड़ा है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मोस्टली बंद ही हो रखे है, बट डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखा है। हाँ। छोटा डेकोरेशन है बट सुंदर है, अच्छा लग रहा है। सो उधर से चलते हैं ऊपर और कुछ इन्होंने और भी डेकोरेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये। बेल बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं गाइस, जिसको पता है वो बता देना। हाँ, मुझे नहीं पता, है ना। देख कितना सुंदर लग रहा है। और इधर देखिए
इसकी फोटो सेशन चल रही है और ये देखिए ना ब्यूटीफुल, सब यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और गाइस मॉल भी, अभी किसी को अगर कल आके विजिट करवाना है तो वो अपने बच्चों का आराम से दिखा सकते हो कि इतना कोई भरा भी नहीं, कोई है ही नहीं क्राउड। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे देखो पूरा खाली पड़ा है, तो किसी को मतलब बच्चे आराम से देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, है ना, घूम सकते हैं। यहाँ पर खाली है, कोई भी नहीं है। और मास्क जरूर वेयर करें। ये तो हमें अच्छा लगा मतलब जे आई बी मॉल से, बट तो भी मैं जैसे बता रही हूँ कि रिव्यू लास्ट में ही देंगे। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन कर रखा है, और जैसे कि यहाँ पे भी है, और गेट पे भी बहुत प्यारा डेकोरेशन है पूरा। सो चलते अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट मॉल। ये जो नोएडा वाले हैं उनको तो पता ही है वेव मॉल का। और वैसे ही मैं बता देती हूँ, जो सेक्टर 18 में जो गुरुद्वारा है, जो उसके साथ जो है वो है वेव मॉल। सो चलते हैं अब नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन को, डीएलएफ मॉल। सो वहाँ चल के हम मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। सो चलते हैं, आ जा। फ्रेंड्स हमें, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिखी थी, कितना अच्छा फ्लावर देखियो, कितने सारे वैरायटी है ना, वाओ इट्स टू ब्यूटीफुल। हाँ गाने का सीन, चलिए एंट्री लेते हैं। मैं एंट्री करी और देखिए कितना प्यारा ये लगा रखा है। बहुत प्यारा लग रहा है ये, है ना। सो आगे चलते हैं, क्रिसमस ट्री लगा रखा है, आइए चलते हैं। फोटो क्लिक कर रही है। कूदो और पकड़ो। तो चलिए एक बार मैं ऊपर जाके भी आपको एक बार ऊपर से सारा दिखाती हूँ, फिर देखते हैं। से बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ पे क्राउड है अच्छे खासे हैं। बाकी जीआईपी में भी इतना क्राउड नहीं था, और सीएसएम में तो था ही नहीं। सो चले नेक्स्ट मॉल, लॉजिक लास्ट है ये, और हम भी कहीं नहीं जाएंगे, घर जाएंगे क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। और अब हम मेट्रो ले रहे हैं, मेट्रो लेके फिर वहाँ पहुँच कर डायरेक्ट वहाँ पे आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं लॉजिक्स मॉल, चलिए अंदर एंट्री करते हैं फिर मिलते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे बाहर स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं, बहुत अच्छा और वाओ तो प्यारा सजा रखा है। ब्यूटीफुल चलिए एंट्री करते फिर मिलते हैं। ये स्टार्टिंग में डेकोरेशन है यहाँ के ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सेंटा क्लॉस गिफ्ट्स एंड ट्री, और ये डेकोरेशन है मॉल की। कैसा लगा, थक गई है? अच्छा था ये, इसका डेकोरेशन भी अच्छा है। और देखिए इसके नीचे देखिए, अब आप लगा रखे हैं। सो रिव्यू घर चल के देते हैं, हमें सबसे अच्छा कौन सा लगा। ठीक है तो चलते हैं घर, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो घर पहुंचते हैं और फिर आपको अब कोई कॉचिस दिखाती हूँ। बाहर इतने प्यारे प्यारे स्टार्स भी लगा रखे जस्ट भी। देखिए फ्रेंड्स एंट्री करोगे तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है वो स्टार वगैरह। ये है लॉजिक मॉल। सो फ्रेंड्स अब हम घर आ चुके हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर चुके हैं हम लोग। सो अब हम अपना रिव्यू देते हैं। ठीक है सो मॉल वाइज स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट हम कहाँ गए थे, GIP गए। हाँ GIP में इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि एक ही क्रिसमस ट्री लगाया था और थोड़े बहुत ऊपर टंगा दिए थे बस। और बहुत छोटा क्रिसमस ट्री था। मे बी मैं हम ये भी सोच सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि जितना ज्यादा डेकोरेशन रहेगा तो वहाँ पे मतलब इकट्ठे गैदरिंग ज्यादा होगी। तो बट हाँ मुझे GIP का एक चीज बहुत अच्छा लगा। क्या? जो गेट नंबर अगर 8 था ना वहाँ से एंट्री करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आप आराम से फोटो खिंचा सकते हो, बहुत अच्छा। मैं उसकी फोटो भी जरूर लगाऊंगी उसके साथ, हमने भी क्लिक करी है तो देखना आप। और सेकंड हम गए वेव मॉल। ठीक है वहाँ अच्छा था, नो डाउट। क्राउड बिल्कुल भी नहीं है गाइज, अगर आप जाना चाहते हो बच्चों के साथ तो आप जा सकते हो। हाँ मुझे 25 दिसंबर का नहीं पता, मे बी उस टाइम होगा क्राउड, लेकिन अगर आज कल में अगर आप जाना चाहते हो तो आप आराम से जा सकते हो। बच्चों के साथ आपको थोड़ा टेंशन नहीं होगी, आराम से आप उन्हें क्रिसमस ट्री आप दिखा सकते हो। छोटा सा करके कराया, अच्छा डेकोरेशन है नो डाउट। ठीक है तेरा भी यही है सेम रिव्यू। थर्ड गए हम लोग, कहाँ गए थे, DLF। ठीक है सो DLF का सबसे अच्छा तुझे पता क्या लगा? सबसे अच्छा तो मुझे क्रिसमस ट्री लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा था वो। मुझे सबसे अच्छा लगा उसका जब एंट्री कर रहे थे ना वहाँ ना फूल की जो गार्डन थी, वाओ। आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने आप डाला भी है, अमेजिंग लिटरली मस्त। हाँ डेकोरेशन भी अच्छा था नो डाउट, क्राउड है वहाँ पे, वहाँ बहुत भीड़ है। हाँ ठीक है अब आता है फोर्थ, गए हम लॉजिक्स। लॉजिक सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। हाँ, वहाँ उसकी मीन्स अच्छा आप एंट्री करोगे वहां से लेके अंदर तक प्रॉपर डेकोरेशन अच्छा है और अच्छे से है, मतलब कहीं भी आप खड़े होकर आराम से अपनी फोटो वगैरह खींच सकते हो, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बाहर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। हाँ स्टॉल GIP में भी लगा हुआ है, वो मैं शूट नहीं कर पाई
क्योंकि एंट्री गेट्स हमने दूसरे गेट्स हमने एग्जिट कर दिया था, तो इस वजह से मैं नहीं शूट कर पाई और लॉजिक्स में लगा हुआ है। अच्छा है, बच्चों को ले जा सकते हो। सेंटा क्लॉज जो लगा हुआ है मीन्स रियल जो बन के घूमते हैं वो तो अभी कहीं नहीं, मे बी वो 24 और 25 को ही दिखेंगे। जो सेंटा क्लॉज क्रिसमस ट्री के साथ लगा है वो खाली लॉजिक्स में लगा है, और कहीं पर भी नहीं लगा है ना। सो तेको कौन सा अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा लगा लॉजिक्स का ही। सेम लॉजिक्स। डेकोरेशन तो भाई आप भी देख के, आप लोग भी जरूर बताना आपको कौन सी जगह का डेकोरेशन सबसे अच्छा लगा। और मैं जैसे नंबर देना चाहूंगी, मतलब मैं लास्ट वाइव में अगर मैं दूं तो सबसे अच्छा मुझे लगा डेकोरेशन लॉजिक्स का, उसके बाद नो डाउट मुझे वेव का अच्छा लगा। हाँ, वेव का भी छोटा सा बहुत क्यूट डेकोरेशन था। और थर्ड में मैं लेती हूँ चाची खांसी, ठीक है। थर्ड में मैं लेती हूँ उसको डीएलएफ को, और फोर्थ में हम लेते हैं जीआईपी को। सो होप सो फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी हम दोनों की मेहनत। हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है घूम घूम के। और सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सी जगह पे कैसा डेकोरेशन आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा फिर, है ना। सो बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस इन एडवांस। क्या पता उस टाइम तक एक और वीडियो आ जाए। बाय, और जरूर बताना कमेंट में कौन सा अच्छा लगा आपको।